हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपको 30 MCQ क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पिछले बार मैंने केवल एक ही पार्ट अपलोड किया था और सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे पिछले साल के सभी पेपर जो भी हुए हैं उसका आंसर की अपलोड है, तो एक बार देख करके जरूर जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो, तो फ्रेंड्स एक बार देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल रंग दर्शाता है, रेड कलर्स इज द इंडिकेशन ऑफ। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ए वाला ऑप्शन सही आपका अंगित या उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, व्यक्तिगत अवरोध, पर्सनल बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और जो सही ऑप्शन है वह है डी, लिखित यानी रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, श्रवण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती है, हाउ मेनी एक्शन आर इंक्लूडेड इन लिसनिंग प्रोसेस। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस इज। तो आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स और जो सही ऑप्शन है वह है ए, जीवन रक्त, लाइफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है, विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है वह है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी विषय के प्रति रुचि की कमी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ टॉपिक इज अ। तो तीन ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, प्राप्तकर्ता द्वारा निर्मित अवरोध, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कृत्रिम साक्षात्कार के चरण होते हैं, स्टेप्स ऑफ एनी मॉक इंटरव्यू इज ए, 4, B, 1, C, 9, D है 5। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं। तो चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू इज। तो आपके जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, जीवन वृत्त यानी रिज्यूम एक आवेदन पत्र का होता है, रिज्यूम इज एन एप्लीकेशन लेटर ऑफ। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने और जो सही ऑप्शन है वह है बी, पूछताछ यानी इंक्वायरी, जॉब इंक्वायरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इज। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है वह है बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज। तो फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है वह है डी, ये सभी फायदे हैं, यानी समय भी बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है और जल्द हो भी जाता है। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, सभी फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, WWW का मतलब है, मीनिंग ऑफ WWW इज। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अल्विन टफलर ने
संप्रेषण की ऐतिहासिक प्रगति को स्पष्ट किया, एल्विन टफलर, एनालिसिस द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इन। तो फ्रेंड्स जो आपके सही ऑप्शन है वह है सी, तीन तरंगों में, थ्री वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स का आविष्कार हुआ। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है आपके सामने और जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है बी। फ्रेंड्स ये जो 1842 दिया हुआ है, इनोवेशन ऑफ फैक्स इन, आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये इंटरनेट पे आप देखेंगे तो 1843 है, ठीक है, और बुक्स में जो दिया हुआ है 1842, तो आप देख लीजिएगा जो ऑप्शन आपके सामने इन दोनों में आएगा 1842 से 1843 उसी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है, तो हम बुक वाले पर अगर विश्वास करें तो 27 मई 1842 है, अगर हम इंटरनेट के माध्यम से विश्वास करते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे इस क्वेश्चन को दिया गया है, तो उसपे जो है 27 मई 1843 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, सन 1960 ईमेल को जाना जाता था, सन 1960 में ईमेल को जाना जाता था, इन 1960 ईमेल इज नोन एज। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ए, CBMS। CBMS का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक संप्रेषण साधन नहीं है, विच वन इज नॉट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है आपके सामने और जो सही ऑप्शन है वह है डी, पोस्ट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, फैक्स का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंशन ऑफ फैक्स। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है अलेक्जेंडर वेल, 1843। और फ्रेंड्स आपको बता दें यही ये जो क्वेश्चन है मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, ठीक है, हुबहू सेम क्वेश्चन मैंने इंटरनेट के माध्यम से लिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ए वाला ऑप्शन यहां पर सही दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं, 1843 होगा या 42 होगा। तो सबसे ज्यादा चांसेस जो लग रहा है वो इंटरनेट वाला ही सही है, क्योंकि हर वेबसाइट पे 1843 दिया हुआ है, ठीक है, और बुक में 1842 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, संप्रेषण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, वैदिक सिद्धांत यानी वैदिक थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये भारत का सिद्धांत है, ठीक है, वैदिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, करेक्ट, कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी प्रोपाउंडेड इन। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ए, 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत ने किस सन में पेजर का प्रयोग किया था, इन विच ईयर पेजर यूज इंडिया फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। तो चार ऑप्शन है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है बी, 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। तो फ्रेंड्स आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ग्राहम वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, इंटरनेट वाज इन्वेंटेड इन। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, कह रहा कि अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वह है बी, 3। इन अरस्तु मॉडल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, मर्फी प्रतिमान के कितने अंग हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मर्फी मॉडल आर दिस।
तो बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान दिया, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज गिवन बाय, तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ए वर्धमान एवं वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेसेस, ए जीवन रक्त यानी लाइफ ब्लड, ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है, द आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, लिबरल संप्रेषण सिद्धांत, लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, डेंस मॉडल का निर्माण हुआ था, डेंस मॉडल वाज फॉर्मुलेटेड इन, तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है 1967, यानी ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।